So, let's continue about basic accounting terms. Now we are on trade receivable. Trade receivable refers to the amount received on accounts of sale of goods. Means to say, जो goods हमने बेचा है, उसमें जो हमें पैसा आएगा, वो हम ट्रेड रिसीवेबल के नाम से जानते हैं, लाइक डेटर्स. नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज डेटर्स? सो डेटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट. हमने जिन अपने कस्टमर्स को उधार बेचा है, दे बिकम्स आवर डेटर्स. इन द सेम वे बिल्स रिसीवेबल. Bills receivable means a bill of exchange becomes bills receivable for the person who draw it. Suppose मैंने एक bill draw किया आप पर, मैं seller हूं, आप buyer हैं, and then you accept it, I get the bill back, so it becomes a bills receivable, so it's an asset to me. तो ये होता है trade receivable बच्चों, इसमें आता है debtors और बिल रिसीवेबल. दीज टू आर माई एसेट्स. नाउ वी कम टू ट्रेड पेबल्स. क्रेडिटर्स. क्रेडिटर इज द टर्म फ्रॉम होम वी हैव बीन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. हमने जिनसे उधार सामान खरीदा है, जिनको हमें भविष्य में पे करना है, दैट इज क्रेडिटर्स. इट्स अ लायबिलिटी टू मी. इन द सेम मैनर बिल्स पेबल. If I accepted the bill to pay in future, that is a bills payable to me. So, trade receivable as an asset, trade payable is a liability. Thank you.